अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। 1970 की दहाई में जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने पूरे अरूज पर थी और उर्दू के साथ पंजाबी जुबान की फिल्में भी मुल्क भर में रिलीज होकर शायकीन फिल्म को तफरी का सामान फराहम कर रही थी, तो उर्दू फिल्मों में मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम के साथ जिस चौथे हीरो ने अपनी शख्सियत और मुनफरिद अदाकारी के असलूब की वजह से उर्दू और पंजाबी दोनों जुबान के फिल्मों में अपनी अलग और जुदागाना पहचान बनाकर आसमान शोहरत की बुलंदियों को छुआ, वो फिल्म स्टार शाहिद हैं। हादसाती तौर पर अक्सुआहंग की दुनिया में कदम रखने वाले खूबरू हीरो शाहिद ने अपनी फनी सलाहियतों से जिस तरह अपना एक अलग मकाम बनाया, उसकी आज भी मिसाल दी जाती है। अपनी इब्तदाई फिल्मों की मुलकगीर कामयाबी के बाद शाहिद ने इतनी ज्यादा मकबूलियत और शोहरत हासिल की कि वो देखते ही देखते फिल्म मेकर्स की आंख का तारा बन गए। शाहिद की शख्सियत में कोई ऐसा जादू जरूर था कि वो फिल्म बीनों के साथ साथ फिल्मी हीरोइनों की तवज्जो का भी मरकज बन गए और यूं आए रोज प्रिंट मीडिया में नित नए स्कैंडल्स को उनकी जात के हवाले से जोड़ा जाने लगा। याद रहे कि बचपन में ही अपनी वालदा के साये से महरूम हो जाने वाले इस कामयाब फिल्मी हीरो ने अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ जाते हुए फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की और जब ये खबर उनके घर तक पहुंची तो ना सिर्फ उन्हें वालिद की जानिब से शदीद रद्देमल का सामना करना पड़ा बल्कि इन्हें अपने वालिद से अमली तौर पर जूतों से मुरम्मत करवाने के बाद घर से बेदखल भी कर दिया गया। शाहिद घर से निकाले जाने के बाद तकरीबन 1.5 बरस तक किराए के एक घर में मुकीम रहकर फिल्मों के वंडर बॉय बन गए। कामयाबी की देवी शाहिद पर इतनी ज्यादा मेहरबान हुई कि उन्होंने अपने हम असर तमाम हीरोज को मकबूलियत की दौड़ में बहुत पीछे छोड़ दिया। शाहिद का ताल्लुक बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के पहले वजीर आजम नवाब लियाकत अली खान के खानदान से था और उनके अपने वालिद के खून में भी वही नवाबी शान व शौकत और जोशीलापन गर्दिश कर रहा था, जिसकी वजह से शाहिद भी एक नवाबी शख्सियत के मालिक ही बने। उन्होंने फिल्मों में काम करते हुए ना तो कभी फिल्म मेकर्स के साथ मिलने वाले मुआवजे पर भाव ताव किया और ना ही उन्हें पैसे की हवस थी, जो कि दूसरे अदाकारों से उन्हें अलहदा शनाख्त देने का बाइस बनी। शाहिद को 80 की दहाई में अपने कैरियर के ऐन अरूज पर सियासी साजिश का शिकार होकर मुलक बदर होना पड़ा और यूं इस मुनफरिद हीरो को उनके चाहने वालों से 8 बरस तक कैनेडा जाकर दूर रहना पड़ा। यूं वक्त की गर्दिश ने इस तवील मुद्दत में उनकी वापसी पर वो सब कुछ बदल के रख दिया जिसे वो छोड़कर गए थे। बावजूद इन तमाम अवामिल के वो फिल्मी तारीख के एक ऐसे हीरो के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे जिन्होंने फिल्मों और अपनी जाती जिंदगी में एक ऐसी पहचान बनाए रखी जो किसी दूसरे फिल्मी हीरो को नसीब ना हो सकी। वो फिल्मी हीरोइनों के ही नहीं, कॉलेज गर्ल्स और दीगर खवातीन के ख्वाबों के शहजादे भी बने रहे। उन्हें यूनानी दास्तानों के उस देवता की तरह पसंद किया जाता रहा जिस तक रसाई का ख्वाब लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की ख्वाहिश में शामिल था। शाहिद ने जिन फिल्मों में अपनी फनकाराना सलाहियतों से खुद को एक बड़ा अदाकार साबित किया, इस पर एक अलहदा वीडियो जल्द ही आपकी खिदमत में पेश करूंगा, मगर आज बात करेंगे उनके स्कैंडल्स, जाती जिंदगी और उनके किरदार पर, जिसके बहुत से गोशे आज तक लोगों से पोशीदा ही रहे हैं। शाहिद एक मासूम और दर्दमंद दिल रखने वाली शख्सियत के मालिक हैं, जिसकी वजह से अपनी चंद एक खामियों के बावजूद फिल्म मेकर्स के हमेशा मंजूर नजर ही रहे। रफ्ता रफ्ता हो मेरे हस्ते का सामा हो गए। एक निजी टीवी चैनल पर दिए गए अपने ताजा तरीन इंटरव्यू में शाहिद ने बताया कि जिस वक्त 80,000 रुपए की मालियत से गुलबर्ग लाहौर के पोशेरिया में एक कोठी खरीदी जा सकती थी, उस दौर में कई एक प्रोड्यूसर उनसे अपनी मजबूरियां बयान करके इतनी रकम माफ करवा लिया करते थे और ऐसे लोगों की तादाद चंद एक नहीं बल्कि दर्जनों में थी। वो फिल्म मेकर्स ऐसी ढकोसलेबाजियां इसलिए भी करते थे कि वो जानते थे कि शाहिद को दौलत की हवस नहीं है और ना ही वो पैसे के लिए फिल्मों में काम करते हैं। एक दिलचस्प वाक्य का जिक्र करते हुए शाहिद ने बताया कि एक मर्तबा उनकी गाड़ी खराब हो गई तो उनके चाहने वाले मर्द खवातीन ने उनके करीब आने की कोशिश में उनके कपड़े तक फाड़ दिए और पहली बार उन्हें मालूम हुआ कि लोग उन्हें कितना चाहते हैं।
उन्होंने मजीद बताया कि जब वो शूटिंग से फारिग होकर अपने घर या होटल में जाने लगते, हर बार कोई ना कोई फिल्मी हीरोइन इन्हें अपनी गाड़ी पर ड्रॉप करने जाया करती थी। इस बात से अंदाजा होता है कि वो बर्रे सगीर पाको हिंद के वाहिद ऐसे फिल्मी हीरो थे जिनकी पसंदीदगी और मकबूलियत का ये आलम था कि लाखों दिलों की धड़कनों में समाई हुई फिल्मी परियां उनकी रफाकत के लिए अपनी बारी का इंतजार किया करती थी। ऐसा रूज और पजीराई दूसरे किसी फिल्मी हीरो को नसीब ना हो सकी। एक और दिलचस्प तरीन वाकया शाहिद की जिंदगी में उस वक्त पेश आया जब अपने वक्त की मकबूल तरीन आलमी शोहरत याफ्ता पॉप सिंगर नाजिया हसन आधी रात को उनके कमरे में आ गई। उस वक्त वो शूटिंग से फरागत के बाद सिसल होटल में आराम कर रहे थे और इत्तफाक से नाजिया हसन भी अपने किसी प्रोग्राम के सिलसिले में उसी होटल में मुकीम थी। नाजिया हसन को जब यहाँ शाहिद की मौजूदगी का इल्म हुआ तो वो अपनी उनसे मिलने की ख्वाहिश को अपने अंदर दबा ना पाई और आधी रात को मिलने चली आई। मुलाकात के दौरान नाजिया हसन ने उन्हें इंडिया का मशहूर गीत लग जा गले से फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो दिल से गाकर सुनाया। ये जिक्र है फिल्म धड़कन की शूटिंग के लिए जब मोहम्मद अली जेबा और शाहिद एक साथ बर्फबारी के मौसम में गए हुए थे। हम बात कर रहे थे नाजिया हसन की जिसके करोड़ों चाहने वाले थे मगर वो खुद शाहिद की फैन थी। गाना सुनाने के दौरान फिल्म स्टार मोहम्मद अली भी शाहिद के कमरे में आ गए और उन्होंने भी नाजिया हसन के गाने का खूब लुत्फ उठाया। शाहिद ने अपने इस यादगार इंटरव्यू में लेडी किलर वहीद मुराद के बारे में भी एक ऐसे वाक़े का जिक्र किया जब वहीद मुराद फिल्म मेकर्स की बेहिसी और बेअतनाई का शिकार हो चुके थे और फिल्म इंडस्ट्री में उनका साथ देने वाला कोई शख्स ढूंढे से भी नहीं मिल रहा था। शाहिद ने इंकशाफ किया कि वहीद मुराद उनके सलाम का जवाब नहीं दिया करते थे। मगर एक रोज शाहिद जब एक सेट से शूटिंग करके एवरन्यू स्टूडियो के फवारे के पास आए तो उन्होंने देखा कि वहां वहीद मुराद उनका इंतजार कर रहे थे। शाहिद बताते हैं कि वहीद मुराद ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। उनकी ये हालत देखकर शाहिद खुद भी परेशान हो गए। वहीद मुराद ने लरजती हुई आवाज में उनसे कहा कि यार मेरी फिल्मों का क्या होगा, अब तो मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं करवाता। जिस पर शाहिद ने कहा कि वो इनके लिए खुद एक फिल्म बनाएंगे जिसमें वो भी एक आर्टिस्ट की हैसियत से काम करेंगे। ये दौर वहीद मुराद के इंतहाई जवाल का दौर था। वो आए रोज किसी ना किसी हादसे का शिकार हो रहे थे और उनके दो एक्सीडेंट होने के बाद इनके मेदे का ऑपरेशन भी हो चुका था। शाहिद ने अपने जाती सरमाए से फिल्म मुकद्दर बनाने का आगाज किया। वो वहीद मुराद को ब्रेक थ्रू दिलाना चाहते थे लेकिन अपने यादगार इंटरव्यू में शाहिद बताते हैं कि जिस तरह वहीद मुराद के हालात हो चुके थे, मुझे उम्मीद कम ही थी कि ये फिल्म मुकम्मल हो पाएगी, इसलिए मैंने सारा काम वहीद मुराद के मुकद्दर पर ही छोड़ दिया और फिल्म का नाम भी मुकद्दर ही रखा। मगर अफसोस के फिर वहीद मुराद ही दुनिया में ना रहे। शाहिद की सच बयानी और अनकहे वाकयात का ये सिलसिला अभी जारी है जिसे मैं अपनी वीडियो के पार्ट 2 में मुकम्मल पेश करूंगा। अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री के मुनफरिद और मकबूल हीरो शाहिद पर बनाई गई ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल के साथ मिलता रहे। देखते रहिए फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।